तो हेलो दोस्तों, मैं मनु स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल खुनी घर समेत। आपने वीडियो का थंबनेल वो देख लिया तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि गाइस फ्री फायर के अंदर एक न्यू गन आने वाली है, ठीक है, जिसका गाइस यहाँ पर नाम है ईवो M14, ठीक है, यानी ईवो गन आने वाली है। अब गाइस उसका लुक कैसा रहेगा, कैसे वो देखने में लगती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूंगा। बट गाइस सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अब गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाइस इसमें मैंने आपके लिए एक सरप्राइज छोड़ा, ठीक है। सरप्राइज क्या होगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, यानी शुरू में भी मिल सकता है, लास्ट में भी मिल सकता है और कहीं पे भी मिल सकता है। बट उससे मैं पहले बात करने वाला हूँ ईवो गन के बारे में, ठीक है। तो भाई ईवो गन के अंदर तुमको M14 वो देखने को मिलेगी। अब भाई यहाँ पर ईवो गन कौन सी होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बता दूँ कि ईवो गन कौन कौन सी होती है। बट गाइस आपके पास अगर M14 कोई भी स्किन ना हो या फिर आपके हिसाब से जो आपको M14 चाहिए वो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो ये मतलब जो ईवो गन आएगी ना वो एकदम तुमको पता है सभी को कि ईवो गन हमेशा खतरनाक आती है। अब भाई यहाँ पर शॉर्ट गन में तुम मेरा कलेक्शन देख सकते हो, मेरा कलेक्शन भी मतलब एकदम टट्टी की तरह, यानी मेरा शॉर्ट गन मैं चलाता नहीं, ज़्यादा शॉर्ट गन यूज़ नहीं करता, मैं MP40 चलाता हूँ। तो MP40 सारी स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल है, बट बनी MP40 की जरूरत, ठीक है, जो कि मतलब फ्री फायर के अंदर सब जो अब तक आई है ना शायद वो मेरे पास सभी होंगी MP40। बट ईवो गन वो होती है, ठीक है, ईवो गन गाइस यहाँ पे ये होती है, जैसे गाइस MP40 अभी ईवो गन में आ गई है, स्कार अपनी ईवो गन में आ गई है, और गाइस उसके साथ ही आपकी AK-47 है वो भी ईवो गन में आ गई। बट गाइस अभी आने वाली है ना उसका नाम है गाइस M14, यानी गाइस आपकी जो उसको जिसको बोलते हैं ना छह गोली वाली शॉर्ट गन या फिर लंबी वाली शॉर्ट गन, तो भाई ये वो शॉर्ट गन आपको फ्री फायर के अंदर देखने को मिलेगी। अब भाई यहाँ पर उसका मैं लुक भी दिखा दूंगा कि वो आपको किस तरीके से उसका लुक है, आपको किस तरीके से उसका लुक देखने को मिलेगा, सब कुछ आपको इसमें अवेलेबल करा दूंगा। बट गाइस सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये बात वीडियो को लास्ट में भी बोल सकता हूं, बट गाइस सभी से मतलब अभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑल पर सेट कर देना है। अब गाइस बहुत तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग सपोर्ट करते हो नहीं करते, बट जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करने वाले न्यू M14 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसका लुक है वो देख सकते हो, कहीं इसकी मैंने पूरी वीडियो आपको जो क्लिप के रूप में वो लगा दी, ठीक है, यानी आप पूरी क्लिप इसकी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक स्टेप इसमें डैमेज देखने को मिलेगा, उसके साथ ही आपको डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी एक स्टेप डैमेज उसके साथ ही आपको डबल रेट ऑफ फायर होगा। यहाँ पे इसका माइनस है ना वो मतलब बहुत अच्छी चीज़ की गई, यानी रिलोड स्पीड इसका माइनस कर दिया है, तो भाई उससे मतलब कोई ज़्यादा फर्क है वो हमको नहीं पड़ने वाला। तो भाई यहाँ पे एक स्टेप डैमेज डबल रेट ऑफ फायर, तो भाई अगर तुम्हारे पास शॉर्ट रेंज तुम लवर हो, ठीक है, शॉर्ट रेंज की फाइट करना तुमको पसंद है, तो भाई अगर आपके पास M14 की कोई स्किन ना हो तो भाई ये वाली जो स्किन है ना वो एकदम ओपी होने वाली है। और भाई यहाँ पर अगर हम इसके लुक की बात करें तो भाई जैसे ड्रैगन AK का लुक था ना, तो भाई अपग्रेड होने के बाद इसका लुक भी सेम उसी की तरह होने वाला, ठीक है, जैसे कि आपकी ड्रैगन AK आई थी, तो भाई उसी तरीके से आपकी ये जो न्यू M14 है ना, तो भाई इसका नाम है ग्रीन फ्लेम ड्रैको, ठीक है, तो भाई ग्रीन फ्लेम ड्रैको इसका नाम है। अब भाई यहाँ पर इसके इमोट किस तरीके से है, आपको इमोट किस तरीके से देखने को मिलेगा सब कुछ इस वीडियो में, कहीं यहाँ पर आपको देखने को, जैसे कि यहाँ पर तुम स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपका ड्रैगन AK का इमोट है उसी तरीके से कहीं मिलता जुलता हुआ आपको M14 का भी इमोट आपको मिल जाएगा। तो आने वाली न्यू M14 को गाइस यहाँ पे मैंने पूरा लुक है वो आपके लिए दिखा दिया। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और आने वाली, ठीक है, यानी ग्लू वॉल की स्किन। अब गाइस यहाँ पे ग्लू वॉल की स्किन के अंदर है ना आपको बहुत सारी लाइटिंग है वो देखने को मिल जाएगी। बट गाइस सभी से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यार आपसे मैंने पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो वीडियो को पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छी भी लगती है, बट यार सब्सक्राइब बटन वो प्रेस नहीं करते, तो सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाओ यार। मैं भी जो कुछ भी होता है आपके पास मतलब मेरे पास अवेलेबल है, पर जो भी फ्री फायर के अंदर आता है, तो मैं आपको जितना हो सकता है उतना जल्दी आपको प्रोवाइड करवाने का सोचता हूँ। तो यार सपोर्ट अगर दिल से करोगे तो यार कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि यार तुमको मेहनत करते हो और तुमको वहाँ पे सपोर्ट ना मिले तो कितना गंदा लगता है। तो यार सब्सक्राइब बटन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग करते हो या नहीं करते हो। तो भाई यहाँ पे तुम ग्लू वॉल की स्किन का तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, एकदम कलरफुल और एकदम लाइटिंग होने वाला, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शायद आज तक ग्लू वॉल की ऐसी स्किन आपको देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो कलर है ना कलर का यहाँ पर कलर भी ओपी, उसी के साथ इसमें लाइटिंग भी दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहो तो वीडियो शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि ये चीज़ें फ्री फायर के अंदर आने वाली हैं।